नमस्कार दोस्तों, हजारे टेंस में आप सभी का स्वागत है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए पर जब सनसनी फैल गई कि हम आपको बताते चले, NH44 पर बिरदा चौक की सतवासपुर पर कुछ कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात महिला को नेशनल हाईवे पर फेंक कर भाग गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार थी। वहीं कुछ व्यक्तियों द्वारा महिला को फेंकते हुए देखा गया और वहां गुजर रहे राहगीरों ने बिरदा चौकी को पुलिस को सूचना दी, तो वही मौके पर पुलिस पहुंची। वही पुलिस ने महिला को कब्जे में कर उसका प्राथमिक उपचार शुरू करा दिया है। वहीं आइए पूरे मामले पर एसपी प्रमोद कुमार। देखिए, लगभग आज 4:15 के आसपास एक सूचना मिली थी, एक महिला है जो बेहोशी की हालत में हाईवे पे मिली है। तो तत्काल जब सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है वो पहुँचे थे, उसके बाद बच्चों भी पहुँच गए। उस महिला को तत्काल वहाँ से ले जाया गया और CHC में एडमिट कराया गया, उसको रेफर करा के जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। महिला ठीक है, बोलचाल रही, मेरी भी बात हुई उससे, और हम लोग पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि किसी स्कॉर्पियो द्वारा उसको वहाँ पे छोड़ के गया था। उसके पास मोबाइल भी मिला है, उसमें भी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं। जो महिला है उसके अपने परिजनों को बता दिया है और परिजन भी आ गए और उनको पूरा घटनाक्रम की जानकारी कराई जा रही है। महिला का मेडिकल भी कराया जा रहा है, अस्पताल का मेडिकल कराया जा रहा है, और मेडिकल के उपरांत घर वालों से कोई चीज़ क्लियर करने के उपरांत तहरीर लेके उसको मुकदमा से पंजीकृत करा के जो भी इसमें आगे की चीज़ निकल के आएगी उसे जल्दी कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई किसी प्रकार का दोष निकल गया तो गिरफ्तारी जल्द से जल्दी।